आप अपनी जरूरत के मुताबिक अटलांटिस सिलेक्ट के फीचर्स सेट कर सकते हैं। पहले हर कैनिस्टर में सही पाउडर भरें। सात बटन्स पर लेबल्स हैं, जो बताते हैं कि उस बटन से कौन सी ड्रिंक डिस्पेंस की जाती है। स्टॉप वाला बटन प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप हर ड्रिंक में किसी भी पाउडर की मात्रा बदल सकते हैं। ये कितना आसान है, एक उदाहरण से देखते हैं। मानिए हम बदलना चाहते हैं कि मोकाचीनो में कितना मिल्क पाउडर डाला जाए। स्टॉप बटन को 3 सेकंड्स के लिए दबाइए। मशीन अब प्रोग्रामिंग मोड में है। डिस्प्ले पर आपको दिखेगा सेट ड्रिंक्स नो। इसे यस में बदलने के लिए कैफे लाते दबाइए। अब कैपुचिनो दबाइए। स्क्रीन पर दिखेगा सिलेक्ट ड्रिंक। अब मोकाचीनो सिलेक्ट करने के लिए मोकाचीनो का बटन दबाइए। ऊपरी लाइन में आप दिखेगा मोकाचीनो, नीचे की लाइन में लिखा होगा COFEWTR। अब मिल्क पाउडर को चुनने के लिए स्टॉप बटन दबाएं, जब तक इस लाइन में मिल्क PDR ना दिखे। अब आप चेंज करने के लिए तैयार हैं। मोकाचीनो में मिल्क पाउडर ज्यादा चाहिए हो तो ब्लैक कॉफी बटन को दबाइए, और अगर कम मिल्क पाउडर चाहिए हो तो कैफे लाते बटन को दबाइए। उसके बाद कैपुचिनो बटन दबाकर अपने चेंजेस को सेव कीजिए। डिस्प्ले 5 सेकंड्स के अंदर फिर रेडी पर लौट आएगा। इस तरीके से आप किसी भी ड्रिंक में मिल्क पाउडर की क्वांटिटी बदल सकते हैं। हर कप में पानी की मात्रा बदलने के लिए मानिए कैफे लाटे में। पहले प्रोग्रामिंग मोड में जाने के लिए स्टॉप बटन को 3 सेकंड्स दबा कर रखिए। डिस्प्ले पर आपको दिखेगा सेट ड्रिंक्स नो। इसे यस में बदलने के लिए कैफे लाटे दबाइए। अब कैपुचिनो दबाइए। स्क्रीन पर दिखेगा सिलेक्ट ड्रिंक। कैफे लाटे को चुनने के लिए कैफे लाटे का बटन दबाइए। डिस्प्ले पर दिखेगा कैफे लाटे ऊपर और COFEWTR नीचे। अब आप चेंज करने के लिए तैयार हैं। पानी की मात्रा बदलने के लिए ब्लैक कॉफी का बटन दबाएं, और कम करने के लिए कैफे लाटे का बटन दबाएं। याद रहे, कैपुचिनो दबाकर अपने चेंजेस जरूर सेव कीजिए। इसी तरीके से आप हर ड्रिंक में पानी की मात्रा सेट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग मोड में जाने के लिए स्टॉप बटन को 3 सेकंड्स तक दबाएं। अब स्टॉप बटन को दबाते रहिए, जब तक डिस्प्ले पर आपको टेम्परेचर 88 ना दिखे। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ब्लैक कॉफी का बटन दबाएं, और घटाने के लिए कैफे लाटे का बटन। याद रहे, कैपुचिनो दबाकर अपने चेंजेस जरूर सेव कीजिए। सिर्फ आधा कप लेने के लिए एक बार स्टॉप बटन दबाएं। अब अपनी पसंद की ड्रिंक का बटन दबाएं तो मशीन केवल आधा कप ही सर्व करेगी। याद रहे, आप किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं।